गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 6 विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण, सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है, रमेश बुद्धिमान है, तो पहला अपना सेंटेंस, पहला वाक्य क्या है? घोड़ा घोड़ा काला है, तो घोड़ा कैसा है? काला। तो काला क्या है? घोड़े की विशेषता। दूसरा है रमेश बुद्धिमान है, तो रमेश की विशेषता क्या है कि वो क्यों ना बुद्धिमान है। हम फिर देखते हैं इसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, इन सभी को देखा जाता है गुणवाचक विशेषण में। जैसे राम अच्छा लड़का है, मोहन मूर्ख है, तो मूर्ख और अच्छा ये दोनों क्या आएंगे? गुण और दोष, इसमें आएंगे गुणवाचक विशेषण में। संगीता गोरे रंग की है, तो उसके क्या, उसके रूप के बारे में बताया कि वो गोरे रंग की, तो गोरा क्या उसकी विशेषता, इसकी संगीता की, तो इसमें आ गया। मोहन बहुत दुबला आदमी है, तो दुबला पतला मोटा लंबा छोटा ये सभी क्या है? उसके गुण है और उसकी अवस्था है, उनके बारे में बताता है, सब इसमें आ गया अपने गुणवाचक विशेषण में। अगला पॉइंट है अपना संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में हमेशा हम हर चीज की संख्या देखते हैं, काउंटिंग देखते हैं। जैसे मुझे 5 केले चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए, मेरे पास 5 कमरे हैं, इस तरह से मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ, तो हर चीज की काउंटिंग हो, संख्या हो, तो वो किसमें आती है? संख्यावाचक विशेषण में। जैसे अभी मैंने बोला था मुझे 5 केले चाहिए, तो उसकी विशेषता है उसको कितने केले चाहिए? 5। मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ या 2 कप चाय पीता हूँ, तो काउंट हो गया 2 रोटी खाता है 2 कप चाय पीता है, तो ये उसकी क्या होगी? एक विशेषता होगी। जैसे राम, राम के पास 5 कमरे हैं, कमरे का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो राम की विशेषता क्या है कि उसके पास में 5 कमरे हैं, तो ये अपने संख्यावाचक विशेषण में आ गया। अगला है अपना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमेशा नाप तौल की चीजें देखी जाती है। जैसे मुझे 2 किलो दूध चाहिए, मुझे 2 किलोमीटर जाना है, मुझे 4 किलो तेल चाहिए, इस तरह से हर चीज की जो नाप तौल आती हो, कोई लिक्विड चीज हो, उसके लिए किसकी चीज, कौन सी चीज आती है? परिमाणवाचक विशेषण। अगला है आपके संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण अपना लास्ट का है, जो कि 4 नंबर का पॉइंट है, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में हम देखते हैं कि किसी चीज की तरफ संकेत करना या इंगित करना और फिर उसके बारे में बताना, वो कहलाता है संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह स्मॉल मंडल विद्यालय है, तो यह स्मॉल मंडल विद्यालय, संकेत करके कोई अगर बाहर से बोले तो स्मॉल मंडल विद्यालय। यह ब्लैक बोर्ड है या यह बोर्ड है, यह शाम पट्ट है, तो ये शाम पट्ट है, इसकी ओर इंगित करके बता रहे हैं। यह टेबल है, यह पंखा है, तो जिस चीज की हम इशारा करके संकेत करके बताते हैं वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण। तो आपका बच्चों ये विशेषण चैप्टर 6 समाप्त हुआ, और इसकी जो वर्कशीट है हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू।